काफी लोगों के दिमाग में यही रहता भाई कैमरे पे आके कैसे बोलना है। मिडिल क्लास फैमिली में काफी मदर है फादर ऐसे होते हैं जो भाई पेरेंट्स सपोर्ट भी नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फरुखाबाद वाइब्स की एक और नई वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अपने थोड़े से पर्सनल एक्सपीरियंस और मोटिवेशन देने वाला हूँ, जो कि मेरी जर्नी का सबसे बड़ा अहम पार्ट रहा है। इस जर्नी को मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ तक आज मैं हूँ आप सभी के प्यार और सपोर्ट से, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू करता हूँ, जो कि आज आप सभी के प्यार और सपोर्ट से इतना आगे तक मैं आ पाया हूँ। जब मैंने 2021 में अपना इंस्टाग्राम पेज चालू किया था उस पर मुश्किल से करीब 200 या 250 लोग थे, क्योंकि भाई पहली बार में जब मेरा पेज उठना स्टार्ट हुआ था, शुरुआत तो जीरो से ही होती है, आप सभी को पता है, मैंने भी वहीं से की थी, लेकिन जो ग्रो अप हुआ था वो बहुत ही लेट हो पाया था। करीब मेहनत करने के बाद मैंने एक साल तक लगाया था, जब जाके मुझे थोड़ी सक्सेस मिली इंस्टाग्राम पर, जहाँ से मेरा आज पेज आप सभी के प्यार और सपोर्ट से 38,000 लोग वहाँ पर मुझसे कनेक्टेड हैं, और 38,000 लोग आज ही मुझसे कनेक्ट हो पाए हैं, क्योंकि अभी तक मेरे फॉलोवर्स थे वो 37,000 थे, फिर धीरे 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 बढ़ते गए और आज 38,000 फॉलोवर्स हो गए, जिसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। साथ ही हमारे यूट्यूब पर भी इसी के साथ 3500 लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी फैमिली है। जब से यूट्यूब पर आए हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि भाई 6 महीने हुए हैं अभी तक, और काफ़ी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और होगा कि अभी तक मैंने अपना चैनल मोनेटाइज किया है या नहीं किया है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अभी हमारा जो चैनल है वो यूट्यूब पर मोनेटाइज नहीं हो पाया है। यूट्यूब पर मोनेटाइज होने के लिए आपके चैनल को करीब चाहिए होता है 4,000 घंटे का वॉच टाइम, साथ ही 1,000 सब्सक्राइबर्स भी चाहिए होते हैं। मेरा 1,000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया तो बहुत पहले से पूरा हो चुका था, जब मैं रामनगरिया की वीडियोस डालता था उसी टाइम पे कंप्लीट हो गया था। पहले मैंने इसे ही कंप्लीट करने का सोचा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपके साथ, अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं मेरी तरह, तो मैं आपको एक अपना पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा, जो कि मैंने अभी के टाइम में एक्सपीरियंस किया है, कि आपको सबसे ज़्यादा काम करना होता है अपने वॉच टाइम के लिए। अगर आप जेन्युइन तरीके से यूट्यूब पर वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप यूट्यूब पर आने का कोई मैटर बनता ही नहीं है, वरना आप एक भी पैसा कमा भी नहीं सकते हैं, तो फ़ायदा क्या है अगर आप यूट्यूब पर आते हैं और यूट्यूब पर कंटेंट बनाते हैं। यूट्यूब पर अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, वीडियोस को बनाना चाहते हैं, तो मेरी एक राय आप सभी के लिए है कि जेन्युइनिटी से काम कीजिए और उसके साथ में ही अपने काम पर हमेशा बने रहिए, किसी का सुनिए मत। आज के टाइम में चार लोगों का कहना, चार लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए, निगेटिव फीलिंग्स सारी बाहर करके रखिए, उसके बाद ही आप करने के लिए काम आइए सोशल मीडिया पर, वरना चार लोग क्या कहते हैं, चार लोगों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, चार लोग इग्नोर मारो, चार लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, और चार लोग वही चार लोग जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो चार लोग आपसे मिलके आपकी रिश्तेदारी में डंका बजाते हैं कि भाई आप सक्सेस हो गए। ये सारी चीज़ें चार लोगों पे छोड़ दीजिए, चार लोग करने वाले भी हैं, चार लोग ही अच्छा काम करते हैं, चार लोग जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो वही लोग प्रचार भी करते हैं आपकी शख्सियत का, तो इसलिए चार लोगों पे चार लोगों का काम रहने दीजिए। मैंने बहुत लंबा ये टॉपिक खींच दिया है, चार लोग करके परेशान हो गए होंगे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं, चार लोग मेरे साथ भी हुए थे, क्योंकि मैंने अपना जो फेस रिवील किया था पहली बार सोशल मीडिया पे, मैं आप सभी को पता है फरुखाबाद से रिलेटेड और ऐसी मतलब थोड़ी सी अपनी रिलेटेड सिटी की रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, जहाँ पर मैंने जब पहली बार फेस रिवील किया था वो 12,000 फॉलोवर्स होने के बाद कंप्लीट किया था, तब जाके मैंने अपना फेस दिखाया था। वैसे मैं वीडियोस को डालता था ऐसे नॉर्मली दिखाने वाली, या फिर जो हमारी सिटी से रिलेटेड होती थी। रामनगरिया के टाइम पे हमारा जो पेज था वो अच्छी तरह से ग्रो हो गया और काफ़ी लोग इस पेज को जानने लग गए फरुखाबाद वाइब्स के नाम से। भाई हर किसी के नाम, मतलब फरुखाबाद में, मेरी सिटी में सबके नाम पे एक जुबान पे एक ही नाम था, फरुखाबाद वाइब्स। काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हुआ उस टाइम पे, हमारी जो बर्थ थी वो हो गई थी करीब 10,000 लोगों की शुरुआत में ही, और जो अंदर इंटीरियर का मतलब बताओ अंदर का जो बर्थ था वो हो गया था करीब 10 लाख लोगों तक। मेरा जो पहला वीडियो वायरल गया था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा खिंच गया था, उस पर भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे, बहुत ज़्यादा लाइक आए थे, और कमेंट तो भाई भर भर के आ रहे थे, क्योंकि फरुखाबाद में ऐसा काम करने वाला पहला ही मैं बंदा था जो कि इस तरह की वीडियोज़ आप सभी को दे पाया। और आप सभी का भी बहुत सारा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया उस टाइम पर जब मैंने शुरू किया था। तो फिर मैंने जब 12,000 आने के बाद में अपना जो चैनल का मतलब पेज पर फेस रिवील किया, उस दिन लोगों को अंदर बहुत अच्छी जागरूकता थी जानने की कि भाई मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ, कैसा, कहाँ बिलोंग करता हूँ, ये सारी चीज़ें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मैं जब वीडियोज़ को डालता था वो वीडियोज़ हमेशा हिट करने वाली थी, लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगता था, ये सारी चीज़ें होती। तो आप भी करते रहिए,
लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है आज मैं जब कैमरे के सामने आपसे बात कर पा रहा हूँ, डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्ट हो पा रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये रहता है भाई कैमरे पे आके कैसे बोलना है, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। जब तक आप किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ नहीं आ पाएगी। मैं फ्रिक्वेंटली आपके सामने बोल पा रहा हूँ, कुछ शब्द इसमें गलत हुए होंगे, मैं रैंडम शूट कर रहा हूँ, इसे कहीं से भी एडिट नहीं करने वाला हूँ, इसे कहीं से भी कट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब अकॉर्ड लगेंगी, पर आपको जो मैं बता रहा हूँ वो सारी लाइव है, एकदम डायरेक्टली बता रहा हूँ, सारी चीज़ों को कट बिल्कुल नहीं किया मैंने, कहीं भी वीडियो पे एक भी कट नहीं लगाया है। ये सारी चीज़ कुछ शब्द गलत हुए होंगे मानता हूँ, पर उसके लिए माफ़ कीजिएगा, पर मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वही रियलिटी में फेस करके बता रहा हूँ। और साथ ही मैंने कैमरे पर आने का पहले मैं कैमरे पर नहीं आ पाता था, बोल भी नहीं पाता था, अभी मैं जैसे अटक गया था इसके पहले, वो भी ऐसा सभी के साथ होता है, अगर आप नए हो तो आपके साथ भी ऐसा होगा, लेकिन आप जब अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे कैमरे के सामने आकर, कैमरे पे बोलिए, कैमरे को अपना भाई समझिए, कुछ भी समझिए, जैसे आप एक फ्रेंड से बात कर रहे हैं सेम उसी तरह से अगर आप बात करना स्टार्ट कर देते तो आपको पब्लिक से इंटरेक्शन होने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आप कैमरे को अपना दोस्त या भाई कुछ भी समझ लीजिए, उस तरीके से बात कीजिए ताकि आपका जो नेचर है वो सारी चीज़ें उसमें अच्छी तरह से दिखाई पड़े, क्योंकि यही होता है जब आप अगर इंस्टाग्राम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कैमरे से अच्छी तरह से इंटरेक्ट हो पाएँ। यही अब इसके बाद में दूसरी चीज़ होती है, जब भाई कोई नया बंदा होता है तो उसके लिए बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और साथ ही वो घर में भी क्या बताए, किस चीज़ को बताए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अच्छा, हम लोग के मिडिल क्लास फैमिली में काफ़ी मदर है फादर ऐसे होते हैं जो भाई पेरेंट्स सपोर्ट भी नहीं करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो है वो सीन अलग है, बिल्कुल अच्छी तरह से सपोर्ट मिलता है, आप सभी का प्यार मिलता है, लेकिन हाँ शुरुआती दौरों में कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम लोग बता ही नहीं पाते हैं अपने पेरेंट्स को कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, क्या वीडियोस बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सभी सबके साथ होता है शुरुआती दौर में, सबके साथ होता है। तो आपको भी मैं ये मेरी लाइफ में इतना बड़ा मैंने पहली बार इतना लंबा सेशन किया है, अभी तक मैंने कोई भी सेशन इतना लंबा नहीं किया, डायरेक्ट फ्रिक्वेंटली बोलकर और बिना कट लगाए एडिट किए, सारी चीज़ें जब भी आप देखते होंगे वो सारी एडिट होती होंगी, लेकिन ये वीडियो ऐसा पहला वीडियो है जो एडिट नहीं हुआ है और मैंने इसमें कोई भी कट नहीं लगाया, जैसा भी था जितना भी था सारी चीज़ें जनरलिटी से बताई हैं और समझाई हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक ये वीडियो ऐसा ही है। आप सभी को जैसा अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, बाकी शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ आप सभी को एक बहुत बड़ा थैंक यू, दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे 3500 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर और इसी के साथ 38,000 की इंस्टाग्राम फैमिली बना दी है, जिसके लिए भाई मैं सच में आप सभी के लिए सबसे बड़ा थैंक्स और दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे और आने वाले ब्लॉग्स और वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।